अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डेटा टाइप्स का टॉपिक पढ़ा था। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेन डेटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, ठीक है, इस तरह की डेटा टाइप्स हम लोगों ने देखी थी। आज हम देखेंगे इनकी कैटेगरीज या सब टाइप्स देखेंगे। यहाँ स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इंटीजर डेटा क्या होता है और इंटीजर डेटा को स्टोर करने के लिए कितनी तरह की डेटा टाइप्स आप लोगों की यूज़ होती हैं। यहाँ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स टू स्टोर इंटीजर डाटा। इंटीजर डाटा स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि किस टाइप का होता है। इंटीजर डाटा में आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स आते हैं। यहाँ एग्जांपल आप लोगों को नज़र आएगी 10, 5, 20, माइनस 20, आप लोगों की पॉइंट्स के बाद जो वैल्यूज़ होती हैं, या आप लोग कह लें कि फ्रैक्शनल वैल्यूज़ या डेसिमल वैल्यूज़, आप लोग उस तरह का डाटा आप लोग इसमें नहीं स्टोर करवा सकते। आपका सिंपल इंटीजर डाटा होता है, यहाँ मैं आप लोगों को नीट करके भी बता देती हूँ कि इंटीजर डाटा आप लोगों का जस्ट न्यूमेरिक वैल्यूज़ पर कंटेन करता है, जिसमें आप लोगों का डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शन वैल्यूज़ नहीं होती। इसमें आप लोग बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। ये तो आप लोगों को पता है, अगर माइनस साइन होगा तो वो आप लोगों की वैल्यू नेगेटिव होगी, अगर माइनस साइन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आप लोगों की पॉजिटिव कंसिडर होगी। स्टूडेंट, इसमें कोई ऐसी चीज़ समझाने वाली बात नहीं है, आप लोगों ने बस ये याद करना है कि ये जो डेटा टाइप्स आप लोगों की यूज़ हो रही हैं, ये मेमरी में कितनी आप लोगों की स्पेस ले रही हैं और इनकी मैक्सिमम और मिनिमम रेंज क्या है। अब सबसे पहले इंटीजर डेटा टाइप में जो डेटा टाइप यूज़ होती है वो इंट यूज़ होती है और बहुत कॉमनली यूज डेटा टाइप है ये, तो ये मेमोरी में कितनी स्पेस लेती है मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मेमोरी में 2 bytes लेती है, ठीक है। इन डेटा टाइप इज़ यूज टू रिप्रेजेंट इंटीजर वैल्यूज़, हम इन डेटा टाइप को यूज़ करते हैं अगर हम लोगों ने इंटीजर वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना है या इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करना है जिसमें आप लोगों का डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन नहीं है। अगर आपके वैल्यू में डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शन आ रहा है या आपकी रियल वैल्यू डेटा है, तो आप इस डेटा टाइप को नहीं यूज़ करोगे, आप उसके लिए अदर डेटा टाइप यूज़ करोगे जो आप लोगों के डेसिमल पॉइंट और या फ्रैक्शन वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। आप सिर्फ और सिर्फ आप लोग न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए आप इस डेटा टाइप को यूज़ करोगे। आप इंटीजर वेरिएबल क्या करता है, स्टोर करता है नंबर को विद नो फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, 11, 10, 25। इस तरह से अगर आप कोशिश भी करोगे डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करने की, तो वो डेसिमल जो वैल्यू होगी उस पोर्शन को, फॉर एग्जांपल आप इस तरह से करते हो, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए। इंट डेटा टाइप है, आप यहाँ पे इंट डेटा टाइप रख रहे हो, परसेंटेज आपका वेरिएबल है, उसमें आप ये वैल्यू स्टोर करवा रहे हो 40.56, तो वो क्या करेगा, आपका जो पॉइंट्स के बाद का जो आप लोगों का पोर्शन है ये वाला, उसको क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, आपकी सिर्फ और सिर्फ पॉइंट से पहले की जो वैल्यू वो उसको स्टोर करेगा। अगर आप ये कोशिश भी करते हो तो बेहतर है कि या आप ये इस तरह की कोशिश ही ना करें, ठीक है। यहाँ उसके अलावा बताया कि ये मेमोरी में कितनी बाइट्स लेते हैं, 2 या 4 bytes लेता है मेमोरी में, कौन सी डेटा टाइप, इन डेटा टाइप, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कंप्यूटर एंड कंपाइलर बीइंग यूज्ड, ठीक है, जो कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हैं या जो कंपाइलर आप यूज़ कर रहे हैं सी लैंग्वेज के लिए, उसकी नेचर पे डिपेंड करता है, कहीं मेमोरी में 2 bytes लेते हैं, कहीं क्या है 4 bytes लेते हैं, लेकिन मोस्टली आप लोगों का इंटीजर डेटा टाइप आप लोगों की कितनी 2 bytes लेता है। इन MS-DOS इट टेक्स 2 bytes एंड इट्स रेंज, अब ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ से लेके ये मिनिमम रेंज है आप लोगों की, ये कौन सी रेंज है, ये मिनिमम रेंज है, और ये आप लोगों की जो रेंज नेगेटिव में है ये मिनिमम रेंज, और ये वाली जो रेंज है आप लोगों की ये मैक्सिमम रेंज है। इस रेंज तक आपका डाटा इस डाटा टाइप में स्टोर होगा, इस रेंज से एक्सीड नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आपकी वैल्यू इस रेंज से बढ़ सकती है, तो स्टूडेंट्स आप इस डेटा टाइप को यूज़ ही ना करें, आप कोई और डेटा टाइप यूज़ करें। फॉर एग्जांपल आपका कोई ऐसा नंबर है, यहाँ देखिए आपके कितने होल नंबर्स आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये क्या है 32,767, ये मैक्सिमम रेंज है, माइनस में 32,768, ये माइनस में रेंज है। अगर आपका नंबर इस रेंज से ज़्यादा हो रहा है तो आप इस इन डेटा टाइप को यूज़ ही ना करें, और आपको लगता है कि आपका नंबर आप लोगों का होल नंबर है पॉइंट्स में नहीं है, तो उसके अलावा और डेटा टाइप्स हैं, आप उन डेटा टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं। आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आपकी और डेटा टाइप्स कौन सी हैं। आगे आप लोगों की जो सेकेंड डेटा टाइप है जो आप लोगों का न्यूमेरिक डेटा को स्टोर करती है, वो आप लोगों की शॉर्ट है, तो आप शॉर्ट और इन तकरीबन सिमिलर डेटा टाइप्स ही हैं, ये भी मेमोरी में 2 bytes लेती है, शॉर्ट भी डेटा टाइप मेमोरी में 2 bytes लेती है। शॉर्ट डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज़, इट टेक्स 2 bytes इन मेमोरी, ये सिमिलर ही हैं, लेकिन इसकी जो रेंज है वो भी, ये क्या है, पावर की फॉर्म में यहाँ दी हुई है। स्टूडेंट्स आप इसको क्या करें, पावर से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर में, अगर जिन स्टूडेंट्स को आते हैं, लेकिन इसके अलावा इसकी पावर यहाँ पावर की फॉर्म में, और यहाँ वही रेंज दी हुई है जो इसकी रेंज है,
ठीक है, ये इसी को पावर की फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, और सिंपल फॉर्म में भी आप लोग लिख सकते हैं। पावर की फॉर्म में तब लिखते हैं जब आपकी वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए, तो उसकी पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स दैट द वैलिड वैल्यू, मतलब ये शॉर्ट डेटा टाइप और इन डेटा टाइप ये सिमिलर डेटा टाइप ही हैं। आप चाहे शॉर्ट यूज़ कर लें, चाहे आप इंट यूज़ कर लें, कोई डिफरेंस इनमें नहीं है, ठीक है। तो इसको हम एज अ शॉर्ट इंट पे के तौर पर यूज़ करेंगे। जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, स्टार्ट में शॉर्ट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंट को यूज़ करेंगे, शॉर्ट इंट ये आप लोगों के। इसके अलावा इनको हम लोग कीवर्ड्स भी बोलते हैं, रिजर्व वर्ड्स भी बोलते हैं, या फिर आप क्या है किसी भी वेरिएबल का नाम दे दें, रोल नंबर दे दें, या कुछ भी दे दें, कुछ भी आप दे सकते हो, और उसमें आप ठीक है, या उसको ये क्या कर रही हूँ मैं, डिक्लेयर कर रही हूँ, उसके बाद आप बाद में वैल्यू स्टोर कर लें। ये जितनी भी डेटा टाइप्स हैं, ये मैं इंटीजर डेटा टाइप्स को बता रही हूँ कि आपके इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए किस तरह की डेटा टाइप्स यूज़ हो रही हैं। पहली इंट आप लोगों ने देखी, उसके बाद शॉर्ट है, उसके बाद अनसाइंड इंट है। तो अनसाइंड डेटा टाइप, अनसाइंड इंट डेटा टाइप जो आप लोगों की यूज़ होती है, ये आप लोगों के टोटली पॉजिटिव नंबर्स के लिए यूज़ होती है। इस डेटा, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के जो नंबर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हैं, आप लोगों के नंबर्स नेगेटिव नहीं हो सकते, तो आप केयर, आप बेहतर यही है कि आप केयरफुली आप अनसाइंड इंट ही यूज़ करें, ताकि आप लोगों को कोई चांस ही ना रहे कि आप लोगों के आप लोग जो है नेगेटिव डाटा को स्टोर कर सके। आप लोगों को श्योरिटी है कि आप लोगों का जो डाटा स्टोर होना है वो पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे आप लोगों के फॉर एग्जांपल जो मार्क्स हैं आप लोगों के, आप लोगों को कंफर्म है कि आप लोगों के मार्क्स जो होते हैं आप लोगों के पॉजिटिव ही होते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है, नेगेटिव में वैल्यूज़ नहीं होती। इस तरह से आप लोगों के रोल नंबर्स भी आप लोगों के पॉजिटिव हो सकते हैं, आप लोगों की नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। जहाँ पर आपको श्योरिटी है कि आप लोगों का डाटा पॉजिटिव में हो सकता है, वहाँ आप लोग क्या है अनसाइंड इंट को यूज़ कर सकते हैं। ये भी मेमोरी में आप लोगों की कितनी लेती है, 2 bytes ही लेती है, लेकिन इसमें आप लोगों का जस्ट क्या होगा, जो इसकी रेंज है वो आप लोगों की 0 से स्टार्ट होगी और ठीक है यहाँ तक जाएगी, 65,535 तक जाएगी, और ये मेमोरी में 2 bytes लेती है। इसको ठीक है पावर की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है, 0 to 2^16 - 1 ये इसकी रेंज है। और अगर आप इसमें नेगेटिव वैल्यू देने की कोशिश करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होंगी। स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं आप लोगों का, अगर आप लोगों की इस रेंज से भी डाटा एक्सीड कर रहा है, आपको लगता है कि आप लोगों का डाटा जो है इस रेंज से आप लोगों का एक्सीड कर सकते हैं या इंट की रेंज से एक्सीड कर सकते हैं, तो आप उसके लिए लॉन्ग डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग डेटा टाइप ये आप लोगों का जो डाटा स्टोर करेगी इंटीजर्स में ही स्टोर करेगी, इसमें फ्रैक्शनल और आप लोगों का डेसिमल पोर्शन नहीं होगा। लेकिन क्या होगा कि ये मेमोरी में 4 byte लेगा, और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम रेंज एक्सीड कर रही है। ये देखिए इसकी मिनिमम रेंज है और ये मैक्सिमम रेंज है। अगर आपका डाटा आपको लगता है कि इस रेंज में जा सकता है, इतना हो सकता है, इसकी रेंज से एक्सीड कर सकते हैं इंट की रेंज से, तो आप लोग लॉन्ग डेटा टाइप को यूज़ करें। तो लॉन्ग डेटा टाइप को हम कैसे यूज़ करेंगे, लॉन्ग इंट के तौर पे यूज़ करेंगे, लॉन्ग। तो आप लोगों के ये जो नंबर्स, जो आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के नंबर्स बहुत ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, कहाँ पे ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप लोग किस किस्म का डाटा आप स्टोर कर रहे हैं, उसके मुताबिक आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग इन डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग वेरिएबल का नाम दें, उसके बाद आप सेमीकोलन से एंड कर लें, कोई भी वेरिएबल का नाम आप लोग दे सकते हैं। तो आप इसकी मिनिमम रेंज, ये मिनिमम रेंज है और ये मैक्सिमम रेंज है। आप लोगों की जब भी इस रेंज एक्सीड आप लोगों का डाटा करेगा, तो आप लोगों का एरर आता होता है, उस एरर को, इस एरर के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगी, वो एरर्स क्या होते हैं, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। उसके बाद ये लॉन्ग डेटा टाइप है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका डेटा जो है क्या है, आपका लार्ज है लेकिन पॉजिटिव में है, तो आप उसके लिए अनसाइंड लॉन्ग डेटा टाइप को आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अनसाइंड लॉन्ग डेटा टाइप में आप लोगों का डेटा किस किस्म का होगा, आप लोगों का डेटा पॉजिटिव में आएगा, उसकी जो मिनिमम रेंज होगी वो 0 से स्टार्ट होगी और उसकी मैक्सिमम रेंज होगी ये आप लोगों की यहाँ तक जाएगी। इसको चाहें तो आप लोग पावर की फॉर्म में भी ले आप लोग राइट कर सकते हैं, और ये भी मेमोरी में 4 bytes लेगा। देखिए उन्होंने सी लैंग्वेज ने आप लोगों को इंटीजर डेटा को स्टोर करने के लिए कितनी तरह की डेटा टाइप्स आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दी। इससे आप लोगों की मेमोरी की वेस्टेज भी नहीं होगी, आप डिफरेंट कैटेगरीज का डाटा भी स्टोर कर सकते हैं, स्मॉल अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में। अगर आप लोगों का डाटा जो है स्मॉल अमाउंट में है, तो क्या ज़रूरत है कि हम उसको लॉन्ग डाटा टाइप अप यूज़ करें, हम उसकी शॉर्ट या इन डाटा टाइप यूज़ कर सकते हैं जो मेमोरी में 2 bytes लेगी। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का जो डाटा है पॉजिटिव में है, नेगेटिव डाटा आप लोगों का नहीं हो सकता, तो आप लोग ना यूज़ करें आप लोग ऐसी डाटा टाइप जिसमें आप लोगों की नेगेटिव वैल्यू भी यूज़ हो रही है। आप अनसाइंड लॉन्ग डाटा टाइप या अनसाइंड आप लोग शॉर्ट
ठीक है, अनसाइंड लॉन्ग डेटा टाइप या अनसाइंड इन डेटा टाइप आप लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। ये टेबल दिया हुआ है, इस पर मिनिमम और मैक्सिमम रेंज दी हुई है। आप अगर इस टेबल को भी याद कर लेते हो तो आप लोग खुद से लिख सकते हो अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। और ये मेमोरी में कितनी बाइट्स ले रहे हैं ये भी आप लोगों को यहाँ पे टेबल में दिखाया हुआ है। आई होप स्टूडेंट इसकी आप लोगों को समझ आ गई होगी। देखें किसके डाटा की नेचर के मुताबिक, अगर डाटा आप लोगों ने जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज़ को स्टोर करने हैं तो आप अनसाइंड लॉन्ग अनसाइंड इन आप लोग डाटा टाइप को यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों की वैल्यू स्मॉल में है तो आप स्मॉल इंटीजर डाटा टाइप यूज़ कर सकते हो, लाइक आप लोग क्या है इंट और शॉर्ट को यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी वैल्यू लार्ज है तो आप लोग लॉन्ग को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस सी लैंग्वेज ने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं डाटा टाइप से रिलेटेड, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो डाटा टाइप्स आप लोगों की सिर्फ सिर्फ होल नंबर्स इंटीजर डाटा टाइप के लिए यूज़ होंगी, बाकी जितने भी फ्रैक्शनल पार्ट में हैं या आप लोगों के डेसिमल्स में हैं उनके लिए हम इन डाटा टाइप्स को यूज़ नहीं कर सकते। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में भी मुझे बताएं कि आप लोगों को कितनी मेरी वीडियो को समझ आ रही है। टिल देन स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।